नमस्कार, मैं कैलाश डंगवाल हूँ। गुंजन डंगवाल मेरा सुपुत्र है था। सोशल मीडिया पर आने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि विगत 10-11 दिनों तक जो भी हालात रहे हैं उस पर बातचीत करने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई है। कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, पहले भी दिया और उसके बाद भी जब वो अंतिम यात्रा पर चला गया। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आप लोगों के लिए ही हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो सूचना देने का माध्यम है, लेकिन इस परिस्थिति में क्या हुआ होगा इस पर ये थोड़ा विचारणीय है। चलिए, हम तो थोड़ा सा मोटे दिल वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिनका दिल बहुत मजबूत हो। मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाता हूँ और घर पर मेरे पत्नी और माँ है, बेटा है, और उन्हें सोशल मीडिया से खबर मिलती है। थोड़ा सा सोचिए तो, ज़रा आप लोगों ने क्या काम किया है, ज़रा इस पर थोड़ा सा कन्फर्मेशन। कितने लोग, कई न्यूज़ पोर्टल हो गए, कई चीज़ें हैं, यूट्यूब पर अंतिम इच्छा के नाम से आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, फेसबुक पर सारी बातें आ रही हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, कन्फर्मेशन तो होने देते। घर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों को एकदम से पता ना चले, ताकि धीरे धीरे करके माहौल बनाया जाता है। जिस प्रकार की बातें हैं, माहौल बनाया जाता है घर में कि आपके साथ ये ट्रेजिडी हो गई है। लेकिन यहाँ तो पोस्ट पर पोस्ट, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें बहुत समझदार कहा जा सकता है, वो भी इसमें शामिल हो गए, इस दौड़ में सब शामिल हो गए। कितनी जल्दी लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि गुंजन डंगवाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, आपने किया, मानता हूँ आपका प्रेम था, मैं भी ये भी मानता हूँ कि सब समर्पित था उसके लिए, लेकिन ये भी तो कोशिश कीजिए कि घर में 2 लोग 3-4 प्राणी और हैं, वो क्या करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि उन तक बात ना पहुँचे, लेकिन बहुत जल्दबाजी, बहुत कंटेंट को आगे बढ़ाने के चक्कर में ये बात, जब तक मैं आधे रास्ते में था, पहुंचने वाला था, तो उससे पहले जो है बात घर तक पहुंच गई और घर पर सब बेहोश है। सोचिए, कल आपके साथ भी, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। आपने देखा होगा कि पहले अगर घर पर घटना होती है तो पहले माहौल बनाया जाता है कि आप भाई, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है, अब आप इंतजार करें। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि जो शब्दों से परे था, बिना कन्फर्मेशन के लोगों ने पोस्ट पर पोस्ट डालनी शुरू कर दी। कन्फर्मेशन मुझे नहीं लगता कि किसी ने हरियाणा पुलिस से लिया होगा या उस हॉस्पिटल से लिया होगा या मुझे फ़ोन किया होगा, उससे पहले पोस्ट आ चुकी थी। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कल किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है, किसी के घर पर भी बुरी खबर जा सकती है। ध्यान रखिए, पहले सशरीर वहाँ पहुँचे। फेसबुक पोस्ट डालने से बहुत कुछ नहीं होगा। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप लोगों का प्रेम था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी हो गई। इस जल्दबाजी से बचें, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें एकदम से शेयर करना कहीं ना कहीं दिक्कत है। कुछ लोगों से मेरा और भी निवेदन है कि कंटेंट को अपग्रेड करने के चक्कर में आप उटपटांग थंबनेल लगाए जा रहे हैं। गुंजन डंगवाल का आखिरी गीत, गुंजन डंगवाल की आखिरी इच्छा, गुंजन डंगवाल का आखिरी वीडियो, गुंजन डंगवाल की माँ का स्टेटमेंट जो हुआ ही नहीं, गुंजन डंगवाल का कि कुत्ते का बिलाप, ये क्या बात हुई भाई। डेथ पर भी पब्लिसिटी, तब तो मन करता है कि इस सोशल मीडिया से दूर ही चले जाएं, लेकिन इसलिए ज़बरदस्ती आना पड़ा कि मैं 10-11 दिनों से बहुत कुछ भुगत रहे हैं हम लोग। अगर किसी को भी सपोर्ट करना, मैं मानता हूँ आप लोगों का प्रेम था, सोशल मीडिया का दौर है, सपोर्ट करना है तो घर पर भी आया जा सकता है, घर पर आकर के सपोर्ट करते, रोते बिलखते परिवार को अगर दिलासा देते तो ज़्यादा बढ़िया होता, बजाय इसके कि फेसबुक पोस्ट पर बहुत ज़्यादा बिना कन्फर्मेशन के। मेरा कहने का मतलब यह है, आशय यह है मेरा कहने का, कि जो स्थिति 11 बजे तक थी वो बहुत अच्छी नहीं थी।
हाँ मैं मानता हूँ कि जब मैं गया वहाँ कंफर्म कर लिया, उसके बाद मैंने काफी लोगों को कहा कि अब आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बहुत जल्दबाजी करके थे सुबह, उन लोगों से निवेदन यह है कि ये घटना किसी के घर में भी हो सकती है। मानता हूँ गुंजन डंगवाल उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण स्थिति में रहा होगा, लेकिन और लोग भी तो हैं, जब वो कंफर्म हो गए तब जा करके उन्होंने किया। जो सुबह ही पोस्ट डालना शुरू कर गए वो थोड़ा सोचें इस बारे में, ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे ना हो ये जरूर कोशिश कीजिएगा। सोशल मीडिया को सूचना का तंत्र बनाइए लेकिन पब्लिसिटी का तंत्र मत बनाइए। दूसरा मेरा कुछ लोगों से ये भी निवेदन है, वो लोग जो इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि गुंजन डंगवाल का आखिरी वीडियो गीत ये कोई, यह गुंजन डंगवाल का म्यूजिक किया आखिरी गीत, बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पर गुंजन ने बहुत कुछ तैयार करके रखा हुआ है और धीरे धीरे करके हम उसे आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के न डालें, बहुत ज़्यादा जो वो डाल रहे हैं गाड़ियों गाड़ी के फोटोज डाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कुछ पता ही नहीं, कुछ लिख रहे हैं डिवाइडर से हुआ, पूछे ना कहाँ पर हुआ, आपको पता है कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, क्या कंडीशन थी। बस सिर्फ ये कि उसने आखिरी बात इंस्टाग्राम पर आकर के कुछ बातें शेयर की और उसी को आखिरी इच्छा कह दिया आपने, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ इच्छाएं थी, बहुत कुछ बाकी है उसके उसके प्रति। जो बच्चे हैं नए उनके लिए मेरा एक निवेदन है, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं या अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहली बात कि आपने जिस भी चीज़ पर अपना पैसा लगाया, जिस चीज़ पर भी आपने वो किया है, तो उस चीज़ की जानकारी कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिए ताकि बाद में ढूंढने वालों को दिक्कत ना हो। मोबाइल पर पैटर्न लगा देते हैं आप लोग, पैटर्न हटा दीजिए, पैटर्न नहीं चाहिए। पैटर्न अगर लगा हुआ है तो नहीं लगा है तो कम से कम कोई ना कोई तो आपके फ़ोन को उठा करके फ़ोन कर सकता है किसी को, मेरे को फ़ोन आ जाता। फेस इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें मत रखिए मोबाइल पर। जो लॉक लगा देते हैं आप मोबाइल पर, उसे ढूंढना कितना कठिन होता है, कहाँ एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है, ये परिस्थिति किसी के साथ में भी आ सकती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन यह है कि उन फोल्डर्स को लॉक कर लीजिए अपने मोबाइल पर जो वैसे हैं, लेकिन मोबाइल लॉक ना कीजिए। मोबाइल सूचना देने के लिए कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ, ये सब चीज़ों के लिए है, लॉक करने के लिए। और थोड़ा सा सोशल मीडिया पर इन चीज़ों से बचिएगा कि एकदम से सूचना देना कि ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती, मौत भी तभी है जब ज़िंदगी है, मौत का कारण ही ज़िंदगी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा महसूस कीजिएगा। न्यूज में आ रहा है कि डिवाइडर पर टकराई गाड़ी, अजीब सी बात है, गोल चक्कर जो भी हुआ, खैर छोड़िए, इन इन विषयों पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी लाइक्स पब्लिसिटी के लिए किसी को यूं ही मत मार देना। ये तो चला गया, हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन हो सकता है और व्यक्ति सहन न कर पाए। आप एक साथ कई लाशें घर से उठवा सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर थोड़ा धैर्य रखिए किस प्रकार का काम है, और कंफर्मेशन के बाद ही कीजिए। मेरे से किसी ने कंफर्म नहीं किया, 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति न तो मेरे से कंफर्म कर पाया और शायद ही उसने हरियाणा पुलिस या संबंधित हॉस्पिटल में कंफर्म किया होगा, आपको पता है ना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में या कुछ ऐसे एक्सीडेंटल जब डेथ होती है तो उन्हें अज्ञात ही माना जाता है। नामकरण किया हमने दोबारा उसका जा करके, जीवन में 2-2 बार नामकरण करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से बचिए। बस यही कहना चाह रहा था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जो भी है MGV डिजिटल के माध्यम से हम गुंजन को की यादों को जीवित रखेंगे। बहुत कुछ बाकी है, अभी ये पूरा सिस्टम बाकी है, सब कुछ बाकी है, इतनी जल्दी हार नहीं मानी है हमने। धन्यवाद।